हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास रहने वाली है फीट, जो कि हमारा एक मेजर क्रॉप है और इससे कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे उन सभी को यहां पर इंक्लूडेड किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो पाए। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ फीट। तो याद रखना, बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्पीसीज या ट्रिटिकम एस्टिवम और किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेमनिया पोएसी से। ठीक है, ग्रेमनी को ही पोएसी के नाम से भी जाना जाता है और जितने भी सीरियस क्रॉप है वो सभी ग्रेमनी फैमिली से ही बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीट इज ए, तो वीट क्या है, एक हेक्साप्लॉइड प्लांट है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 = 42। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको पता होना चाहिए कि मुख्यतः 6 स्पीसीज होती है वीट की। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट जिसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 42। अब याद रखना, ये दोनों क्या है, हेक्साप्लॉइड है और ये दोनों होती है टेट्राप्लॉइड। ठीक है, तो अगर बात करते हैं ब्रेड वीट के बॉटनिकल नेम की, तो याद रखना ट्रिटिकम वल्ग है और क्रोमोसोम होता है 42। ओके, नेक्स्ट है कि मार्कोनी वीट अर्थात जिसे मैक्रोनी वीट भी बोला जाता है, तो इसका ट्रिटिकम ड्यूरम बॉटनिकल नेम और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 28। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इमर वीट, याद रखना इमर वीट का होता है ट्रिटिकम डाइकोकम और इसमें क्रोमोसोम नंबर भी होते हैं 28। ठीक है, और अगर याद रखना कि मैक्रोनी, तो मैक्रोनी वीट का मुख्यतः उपयोग किया जाता है सूजी और सेवैयाँ बनाने में। इमर वीट की अगर बात की जाए तो इसके लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है उपमा बनाने के लिए, और अगर बात की जाए ट्रिटिकम एस्टिवम या मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की, तो इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है चपाती या रोटी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इंडियन ड्वार्फ वीट, तो याद रखें इंडियन ड्वार्फ वीट का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ओके, और अब याद रखना ये भी क्या है, एक हेक्साप्लॉइडी वेराइटी है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 42 ही होते हैं। ओके, इसका अभी से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको करना है वीडियो एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट अपलोडेड की जाती है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि द हाईएस्ट ग्रोन वीट स्पीसीज इन इंडिया, याद रखना जितनी भी हमने स्पीसीज पढ़ी है अभी, तो उनमें से सबसे ज़्यादा किसे ग्रो किया जाता है इंडिया में, ट्रिटिकम एस्टिवम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोविंग ऑफ वीट क्रॉप, तो याद रखना जो टेम्परेचर रेंज चाहिए इसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैक्सिमम रेंज का और मिनिमम रेंज का, इन दोनों की जो मध्य होता है उसी को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, जिसे कार्डिलन टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का मध्य का जो होता है उसे बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि वीट प्रोटीन इज कॉल्ड, तो याद रखना वीट की प्रोटीन क्या कहलाती है, ग्लूटेन के नाम से जानी जाती है, जो कि चपाती या रोटी बनाने के लिए आवश्यक होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटीन कंटेंट इन वीट, तो याद रखना वीट में कितनी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 8 से 11%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोरिंग पोर्शन ऑफ वीट, यार हाँ फ्लोरिंग पोर्शन अर्थात इन्फ्लोरेंस भी इसे बोला जाता है, तो यार हाँ इन्फ्लोरेंस अर्थात पुस्तकम को बोला जाता है, हेड स्पाइक या एयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि परमानेंट रूट ऑफ वीट अपीयर्ड आफ्टर 20 से 22 डेज आफ्टर सोविंग, यार हाँ 20 से 22 दिन बाद में जो रूट से निकलती है वीट में उनको बोला जाता है परमानेंट रूट, और किस नाम से जाना जाता है, क्राउन रूट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सेलिंग परसेंट ऑफ वीट, तो यार हाँ सेलिंग परसेंटेज कितनी होती है इसकी, 60%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्लिंग इंडेक्स इन वीट मीजर्स, याद रखना पर्लिंग इंडेक्स क्यों ज्ञात किया जाता है, दाने की कठोरता ज्ञात करने के लिए, अर्थात कर्नल हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए पर्लिंग इंडेक्स निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन वीट, याद रखना गेहूं में जो बोनापन होता है किस जीन के लिए होता है, नोरिन या नोरिन 10 के कारण होता है। ओके, कौन सी जीन उत्तरदायी है, नोरिन या नोरिन 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोविंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ वीट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, याद रखना जो सोविंग डेप्थ डिपेंड करती है वह करती है लेंथ ऑफ कोलियोप्टाल पर, और इसकी जो डेप्थ होती है याद रखना वीट की मुख्यतः कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी डेप्थ रखी जाती है, 5 सेंटीमीटर, और किस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिपल जीन ड्वार्फ वीट वेराइटीज आर रिलीज, याद रखना उनको रिलीज कब किया गया था, 1970 में रिलीज किया गया था ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज को। क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष ध्यान रखें कि द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ फीट, तो कितनी रखी जाती है, 22.5 से 23 सेंटीमीटर के मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड रेट ऑफ टाइमली सोन वीट, याद रखना अगर टाइम से आप सोविंग करोगे तो उसके लिए जो सीड रेट रखी जाएगी वो रखी जाएगी 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर आप लेट सोविंग करोगे तो उसके लिए जो रखी जाएगी याद रखना 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अब याद रखना कि अगर किसी भी क्रॉप की अगर पूछे कि लेट सोविंग करनी है आपको तो सीड रेट कितनी रखी जाती है, तो याद रखना उसकी जितनी भी सीड रेट है उसका 20 से 25% अधिक रखी जाएगी, परसेंट में याद बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20 से 25% जो सीड रेट रखी जाती है वो अधिक रखी जाती है लेट सोविंग करने के लिए।
ओके, और अर्लियर करोगे तो उसके लिए कम रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ फीड तो कौन सी है। सीआरआई स्टेज, जो कि 20 से 21 दिन बाद में निकलती है, डे आफ्टर सोविंग। डास का मतलब क्या होता है, डे आफ्टर सोविंग। और इसे खोज किसने की थी, याद रखना, बीएल भारद्वाज के द्वारा। किसने की थी, डॉक्टर बीएल भारद्वाज के द्वारा सीआरआई स्टेज को खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कुछ वेराइटीज से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं क्योंकि इनसे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछे कि सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज कौन सी है, तो यार हाँ सोनालिका और किरसा। डबल जीन की अगर बात करें तो याद रखना कल्याण सोना, अर्जुन प्रताप और जनक हुई। ट्रिपल जीन की अगर बात करें याद रखना हीरा और मोती। इन दोनों को आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। तो यार हाँ, ट्रिपल जीन वेराइटीज कौन सी है, हीरा और मोती गेहूँ की वेराइटीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेराइटी बेस्ट सुटेड फॉर सोविंग इन रेनफेड एरियाज। याद रखना रेनफेड एरियाज की अगर बात करें तो उसके लिए होती है C306, सुजाता, सेरा और मुक्ता। ओके, मैरको ने अगर वीट की बात की जाए तो याद रखना इसकी होती है जयराज, मेघदूत, मालविका और HD4530। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ब्लाइट रस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी है। तो याद रखना ब्लाइट और रस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी होती है UP2425, PBW273 और WH291। अब रस्ट से याद आया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो गेहूं में तीनों प्रकार की रस्ट लगती है उनके प्रति रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी है, तो यार हाँ लर्मा रोजो, जो कि तीनों प्रकार की रस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी है। ओके, कौन सी है, लर्मा रोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप वेराइटी ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। अब याद रखना सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया था किस वेराइटी के द्वारा दिया गया था, HD2329 के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर वीट क्रॉप। तो याद रखना मिक्स्ड क्रॉपिंग, और अगर बात की जाए मिक्स क्रॉपिंग में किस किस को लेते हैं, तो याद रखना वीट प्लस मस्टर्ड को ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट वीड ऑफ वीट अर्थात आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा कहलाता है। याद रखना कॉर्नवॉलस आरवेंसिस, अर्थात ये किसका नाम होता है, हिरण खुरी का। अर्थात याद रखना गेहूं का जो आपत्तिजनक खरपतवार होता है वह कौन सा है, हिरण खुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएटेड वीड ऑफ फीड अर्थात इससे संबंधित कौन कौन सी है, अर्थात गेहूं में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। तो याद रखना फेलेरिस माइनर, एविना फेटवा और चिनोपोडियम एल्बम अर्थात फथवा, एविना फेटवा अर्थात जंगली जई और फेलेरिस माइनर अर्थात गेहूं का मामा या जिसे गेहूं सा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल वीड इन वीट। याद रखना मोस्ट कॉमन लिया जाता है 2,4-D। अगर बात की जाए लेकिन अगर बात करें फेलेरिस माइनर अर्थात गेहूंसा के कंट्रोल की, तो इसके लिए 2,4-D का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, सल्फो सल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो फेलेरिस माइनर अर्थात गेहूंसा होता है वह 2,4-D के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फेलेरिस माइनर कैसे पहचान करोगे, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो याद रखना इट इज बेसल नोड इज पिंक अप टू 50 डेज, अर्थात जो उसका बेसल नोड होता है वह 50 दिनों से कैसा होगा, हल्का पिंक कलर का होता है, इसकी मुख्य विशेषता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज। अब याद रखना यहाँ पर पूछा गया केवल हार्वेस्टिंग स्टेज पर उसके मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो याद रखना मॉइस्चर कंटेंट होता है 25-30% के समथिंग हार्वेस्टिंग स्टेज पर। लेकिन अगर बात की जाए इसके स्टोरेज के समय, याद रखना इसका जब स्टोरेज किया जाता है तब इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, केवल 10-12% के समथिंग होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लो सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।